Yes, not clearly captain. आपका जो छप्पन है प्लीज डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम मैं अगर पुन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट कत करो अच्छे तकरीबन पोस्ट ये चाहे सह हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट आफिसर पोस्ट आ तम बन आडस मन अल बोन तालमेल तुम्हें तुम नसीहत मानी सान अफसर सीनियर स्टाफ में शिकायत आई जाए तुम बिल्कुल सानी वेबसाइट पे गुन मेरा नंबर है वहां पे गुजारिश तुम्हें तुम्हें वन सोन बांडी पोरा डिस्ट्रिक्ट बांडी पोरा डिस्ट्रिक्ट मे ये वजाहत आज कर मगर मजीद कर थोड़ा बहुत बे बांडी पोरस मे डिस्ट्रिक्ट मे तकरीबन तकरीबन सनवार मे 7% यथ मज डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर कर जमींदार बायन जंगिया मुख्तलिफ स्कीमन मुतलिक तुम स्कीम स्टार्ट खाली जमीन पे प्रोसेसिंग तान अथ मा चाहे खाली जमीन या बाग बन अंत मशीनरी कह या तम हार्वेस्टिंग करा तथ हार्वेस्टिंग मे स्कीम्स या इवन पोस्ट हार्वेस्ट स्कीम्स आज का ये प्रोग्राम जो है डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा के हाजिन जोन में मुनक्किद हो रहा है तो यहाँ पे चीफ हॉर्टिकल्चर साहब ने ये ऑर्गेनाइज़ किया है डिपार्टमेंट के सब ऑफिसर्स जो यहाँ पे वो यहाँ पे मौजूद है लोगों की एक अच्छी खासी तादाद यहाँ पे है तो लोगों को आज यहाँ पे जमा इसलिए किया है कि लोगों को डिपार्टमेंट की स्कीम्स के बारे में बताएंगे तो आपने भी सुना मैं जब से आ गया यहाँ पे तो लोगों को मैंने अपने डिपार्टमेंट की स्कीम्स के बारे में अवेयर किया डिपार्टमेंट क्या 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 बेनिफिट्स देते हैं डिफरेंट स्कीम्स में जैसे मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे बताया कि हमारी हाई डेंसिटी प्लांटेशन स्कीम है जिसमें 50% सब्सिडी मिल रही है इसी तरह एरिया एक्सपेंशन की हमारी स्कीम है जिसमें 80% सब्सिडी हम देते हैं प्लांटिंग मटेरियल पे बाकी जितनी भी स्कीम्स हैं तो लोगों को हमने यही बताया कि यू शुड कम फॉरवर्ड और डिपार्टमेंट की स्कीम्स का फ़ायदा उठाएँ आज हमने स्प्रे शेड्यूल भी इजरा कर दिया जो डिपार्टमेंट ने बनाया है सुकास्ट के इश्तराक से वो हमने अभी इजरा कर दिया यहाँ पर लोगों से ये गुजारिश है कि जो हमारा स्प्रे शेड्यूल है इस पे बिल्कुल अमल करें दाएं बाएं बहक ना जाएं लोगों की बातों में ना जाएं जो दवा वाले खुद उनको रिकमेंड करेंगे कि ये लगा वो करो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है डिपार्टमेंट ने जो स्प्रे शेड्यूल बनाया है या हमने एक बुकलेट भी यहाँ पे दिया जिसमें प्लांट प्रोडक्शन मैनेजमेंट के कैसे करना है अपने बाग को कैसे बचाना है उस पर बिल्कुल अमल करना है तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि कोई ऐसा स्कैब वगैरह जो है जैसे पिछले साल में बिल्कुल कंट्रोल में रहा तो होपफुल इंशाल्लाह इस बार भी रहेगा प्रोवाइडेड कि वो हमारी जो हमारी शेड्यूल जो हमारा शेड्यूल है जो हम बार बार वक्तन फवक्तन एडवाइजरीज इशू करते हैं उन पे वो अमल करेंगे सर मुझे जो आपके माध्यम से मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं नंबर एक ये कि आपने पेस्टिसाइड्स वगैरह की बात की डिपार्टमेंट इस पे बहुत कोशिश कर रहा है कि जो स्पीरियस जो गलत दवा अद्वियात है वो मार्केट में ना आए अगर कहीं जगह पर किसी जगह पर किसी बाग वाले को या और कोई भी जिसकी नॉलेज में ये आता है कि गलत दवाई कोई बेचता है तो इमीडिएटली शुड बन गेट टू द नॉलेज ऑफ द डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट बरवक्त कार्रवाई करेगा नंबर वन नंबर टू यहाँ पे डिपार्टमेंट ने हमारी कुछ बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स नई स्कीम्स लॉन्च की हमारा एक बड़ा हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर पे बहुत बड़ा एक मतलब वो प्रोजेक्ट है मेगा प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ J&K का जिसमें 29 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो गए हैं जिसमें हमारे हॉर्टिकल्चर सेक्टर का भी प्रोजेक्ट है मैंने उसके जिक्र अभी अंदर किए लोगों के सामने डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल तो नर्सरीज लगानी है लोगों को इसमें काफ़ी सब्सिडीज़ अवेलेबल है लोगों को दावत दी जाती है यहाँ पर भी मैंने आपको बताया आपके माध्यम से भी बताते हैं पीपल शुड कम फॉरवर्ड और हमारे मतलब ये नई स्कीम जो है इसको सक्सेसफुल बनाएँ दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है हमने यूट्यूब चैनल एक भी बनाई है वो मैं आपके साथ भी अभी शेयर करूंगा यहाँ पे हम सब लोगों तक वो यूट्यूब चैनल पहुँचे और हमारे डिपार्टमेंट के बारे में और जो नई नई स्कीम्स हैं उनके बारे में लोगों को पता चले बहुत बहुत